कालू कौवा हमेशा औरों का खाना चुराता था और किसी का भी घर बनने नहीं देता था। फिर एक बार बारिश आने वाली थी तो सब पक्षी उसकी तैयारियों में लग जाते थे, पर कालू कौवा न अपना घर बनाता था और न दूसरे का बनने देता था। फिर वो चटकली चिड़िया के पास जाता है। अरे चटकली चिड़िया, तुम मुझे अपना थोड़ा सा खाना दे दो। जब मुझे कल खाना मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें दे दूंगा। आज मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है कालू कौवे, आज मेरा खाना तो तुम ले जाओ, पर तुम वापस देते नहीं हो, फिर दोबारा मांगने भी आ जाते हो। मुझे माफ कर दो, पर इस बार मैं पक्का दे दूंगा। तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार की बात बताती हूँ। हाँ माँ बताओ। एक बार की बात है, जंगल में एक कालू कौवा रहता था।